भाई, न्यूटन पर सेकंड है काइनेमेटिक्स भी। काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स का पार्ट है, अभी पार्ट ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है लिख लीजिएगा, मैकेनिक्स लिखिए, लिखो। इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of motion and rest of the body। बंद करो इसको। मोशन एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी, किसके बारे में स्टडी करता है? जो मोशन के बारे में और रेस्ट के बारे में, उस ब्रांच को क्या बोलते हैं हम लोग? मैकेनिक्स बोलते हैं भाई। मैकेनिक्स के तीन पार्ट होते हैं भाई, ठीक है? तो पहला तो है, लिख लीजिए, इट हैव थ्री ब्रांचेज भी। इसकी भी तीन ब्रांच होती हैं, लिखो। इट हैव थ्री ब्रांचेज। पहला ब्रांच है स्टैटिक्स भी, सेकंड है काइनेमेटिक्स भी, थर्ड है डायनेमिक्स भी। तीन ब्रांच हैं, कौन कौन सी हैं? स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स भी। सही है, तीनों पढ़ेंगे भी। देखो, आप मॉड्यूल का नाम भी क्या है सेकंड का? काइनेमेटिक्स है भी। स्टैटिक्स जो होता है वो पढ़ाता है रेस्ट के बारे में भी, जब बॉडी रेस्ट कंडीशन में होगी। किसके बारे में? रेस्ट के बारे में बताएंगे अभी, पूरा डिटेल में बताएंगे इसको। काइनेमेटिक्स पढ़ाता है मोशन के बारे में भी। किसके बारे में? मोशन विदाउट रीजन भी, विदाउट ए रीजन। मतलब क्या है कि मोशन तो हो रहा है, इसके पीछे उनका रीजन क्या पता नहीं चल रहा हमको भी। हो जाएगा भी। और ये बताएगा डायनेमिक्स आपको मोशन विद रीजन भी, मोशन विद रीजन, मोशन विद रीजन। कर लोगे? तीन पार्ट हैं, यूनिट नंबर सेकंड में पूरा ये पढ़ेंगे और थर्ड में ये पढ़ाया जाएगा आपको। लिखिए, पहला लिखिए स्टैटिक्स क्या होता है, तीनों को लिखवा देते हैं, ठीक है? स्टैटिक्स क्या है भाई, लिखो। इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with the study of rest of the body, which deal with the study of rest of the body, body का rest condition में पढ़ते हैं, या behavior of body at rest conditions में। कर लोगे? second point डालिएगा इसका। second point है kinematics भी, सेकेंड पॉइंट इज काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या होता है अगेन लिखिएगा, इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, मोशन ऑफ द बॉडी विदाउट रीजन ऑफ मोशन भी, विदाउट रीजन ऑफ मोशन। किसके बारे में स्टडी करता है काइनेमेटिक्स भाई? बॉडी के मोशन के बारे में स्टडी करता है, बिना जाने कि बॉडी का रीजन क्या था मोशन होने का भी। मोशन क्यों हो रहा है इसका रीजन नहीं हमके पास। कर लोगे? नेक्स्ट डालिएगा थर्ड ब्रांच जो है डायनेमिक्स भी। डायनेमिक्स क्या है लिखो। इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ किसके बारे में? मोशन विद रीजन भी, मोशन ऑफ द बॉडी विद रीजन। तो रेस्ट क्या होता है? नेक्स्ट डेफिनेशन इज रेस्ट। रेस्ट किसको बोलते हैं लिख लीजिएगा। रेस्ट क्या होता है लिखो इसको।
When a body does not change its position with respect to other body. अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती किसी और के रिस्पेक्ट में, देन बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट. लिखो, देन बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट. तो बॉडी किस में बोला जाएगा? बॉडी किस में है? रेस्ट पे है भाई. यस और नो? बॉडी इज सेड टू बी इन ए रेस्ट भी. एनी प्रॉब्लम भाई? कर पाओगे? सेकेंड लिखिएगा डेफिनेशन ऑफ मोशन भी. नेक्स्ट है मोशन क्या होता है, इसका उल्टा मिलेगा. अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर ले, बेंच कुछ जा रहा है यहाँ से, मेरे अकॉर्डिंग क्या कर रहा है? अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो ये मेरे लिए क्या है? मोशन में है. समझ में आया? देख लीजिए, when a body change its position with respect to other body, when a body change its position with respect to other body, then body is said to be in motion. The body किसे मानी जाती है? मोशन में मानी जाती है. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मोशन एंड रेस्ट अकॉर्डिंग टू फिजिक्स भी. हो जाएगा भाई? समझ में आया? अभी नहीं, अभी. ट्रेन है भाई, ट्रेन की ये सामने की बोगी बैठे हुए हैं लोग भी. यहाँ पे तुम लोग बैठे हो, यहाँ पे तुम और बैठा हुआ है कोई, तुम उसको देख रहे हो. रेस्ट में कि मोशन में? ट्रेन चल रही है. कितना आसान टॉपिक है ना, है ना? ये तुमको पता ही नहीं था कि रेस्ट में की मोशन पता चल रहा है हमको कोई बात. तो ट्रेन में बैठे हो, सामने पैसेंजर बैठा हुआ है, ट्रेन चल रही है, आपके लिए पैसेंजर रेस्ट पे की मौसम में बोल दोगे? हम तो बैठे बैठे ही रोहतक पहुंच गए भाई. रेस्ट पे ही बोल सकते हो? किस चीज़ का फर्क आ रहा है? बता दो. क्या हम एक साथ दोनों टाइम पे हो सकते हैं, रेस्ट पे भी मौसम में भी, सेम टाइम में भी? टाइम पूछ रहा हूँ, सेम टाइम में क्या हम दोनों कंडीशन में हो सकते हैं? यस और नो? कैसे? यही ट्रेन ले लेते हैं, ये ट्रेन के सामने पैसेंजर, आपने टाइम देखा 2 बजे में, पैसेंजर आपके लिए किस पे है? रेस्ट पे है भाई, क्योंकि पोजीशन चेंज नहीं करा अकॉर्डिंग टू फिजिक्स पे. लेकिन जो पैसेंजर बाहर खड़े हुए हैं उनके लिए तो ट्रेन भी चल रही है, आप भी चल रहे हो. सेम टाइम में आप किस में हो? मोशन में हो, किसी और के लिए भी. समझ में आया कि नहीं आया भाई? तो आप एक टाइम पे दोनों कंडीशन में होते हो भाई, विद डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी, डिफरेंट ओरिजिन पॉइंट भी. आप मेरे लिए किस में हो? रेस्ट में. सेम टाइम हम दोनों किसके लिए हैं? किसी थर्ड के लिए. किस में मिलेंगे? मौसम में मिलेंगे, क्योंकि अर्थ घूम रही है अभी. समझ में आया कि नहीं आया? तो लिखा जाता है, ये वर्ड लिखा जाता है मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव. मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव्स. ओके, ये क्वेश्चन बनता है, लिखा मिलेगा एग्जाम में आपको, मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव, कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट भी. अपने व्यूज दी स्टेटमेंट, मतलब क्या इस बात का? क्या मतलब है कि हम एक टाइम में दो डिफरेंट ओरिजिन के साथ दोनों कंडीशन में हो सकते हैं, रेस्ट पे भी हो सकते हैं, मोशन में. तो एग्जाम्पल किसका दोगे आप? ट्रेन का एग्जाम्पल दे सकते हो, बस का एग्जाम्पल दे सकते हो, कि मेरे लिए सामने पैसेंजर किस पे है? रेस्ट पे है. और उसी टाइम बाहर वालों के लिए हम किस पे हैं? दोनों मोशन में हैं. समझ में आया कि नहीं आया? तो मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव्स. लिखो उस लाइन को. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मोशन भी. टाइप्स ऑफ मोशंस में मोशन को 3 भागों में बांटा गया है क्लास. देखिएगा, पहला मोशन का नाम है रेक्टिलिनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन. दोनों को डिफाइन करेंगे कुछ देर में अभी, क्या होते हैं. सेकंड है सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशंस. ओके, ये भी बताएंगे अभी आपको. थर्ड है ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशंस भी. तीन तरह से डिफाइन करेंगे दोनों, तीनों के दो दो नाम दे रखे मैंने, इनका रीजन है कुछ बताऊंगा अभी आपको. तो पहला टॉपिक लिखिएगा इसमें, पहला टॉपिक क्या है? रेक्टिलिनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन भी. ठीक है,
पहला कौन सा है? रेक्टिलिनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशंस। ये मोशन कब का है भाई क्लास? दोनों मोशन में खासियत क्या है? बॉडी किस में चलेगी? स्ट्रेट लाइन में चलेगी। बॉडी किस में चलेगी? स्ट्रेट लाइन के अंदर। ओके, पेन जा रहा है स्ट्रेट लाइन में भी। तो मोशन कौन सा है? ये रेक्टिलिनियर या ट्रांसलेटरी हो सकता है, बताऊंगा रीजन का। दोनों का अलग अलग पॉइंट है। इसका पहला पॉइंट अली अभी रेक्टिलिनियर मोशन क्या है, इसके अलग इसको दो है ना इसमें नाम, दोनों को बताएंगे केविन न्यूटन का। पहला पॉइंट लीजिएगा, इसका पहला पॉइंट रेक्टिलिनियर मोशन में लिखिए। इन दिस मोशन बॉडी मूव इन द स्ट्रेट लाइन। इन दिस मोशन बॉडी मूव इन द स्ट्रेट लाइन। बॉडी किस में चलेगी? स्ट्रेट लाइन में भी हो जाएगा। बॉडी मूव इन द स्ट्रेट लाइन एंड बॉडी कंसीडर एज ए पॉइंट मास या पॉइंट ऑब्जेक्ट भी। एंड बॉडी कंसीडर एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट भी, बॉडी को पॉइंट माना जाएगा भी। बताऊंगा इसका मीनिंग क्या, आगे बताएंगे इसको। बॉडी कंसीडर एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट भी या पॉइंट मास हो जाएगा भी। पेन जा रहा है अभी क्लास, पेन एक बॉडी मानी जाएगी पूरी जो कि चल रही है स्ट्रेट लाइन के अंदर। कौन सा मोशन होगा? रेक्टिलिनियर मोशन। सेकंड डालिएगा ट्रांसलेटरी मोशन, इसी का भी ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता भी? देखो अकेली बॉडी तो है नहीं, उसके पास उसके पार्टिकल्स भी हैं भी। जब आप पार्टिकल्स को भी काउंट करोगे और बॉडी किस में जा रही होगी? स्ट्रेट लाइन में, तो मोशन कौन सा होगा? ट्रांसलेटरी। इस पेन के पास कैप भी है, रिफल्स भी है, बॉडी भी है इसकी। हम बोलेंगे तीनों जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन में पेन के साथ भी, तो क्या है ये? ट्रांसलेटरी। जब बॉडी और उसके पार्टिकल भी कंसिडर किए जाएंगे भी, तो मोशन कौन सा होगा? ट्रांसलेटरी। समझ में आता ना डिफरेंस क्या है भी? इसमें बॉडी एक पॉइंट ही मानेंगे, एक ऑब्जेक्ट ही है भी, सिंगल ऑब्जेक्ट है। इसमें क्या है? उसके पार्टिकल्स भी हैं भी, और भी चीज़ें हैं उसके साथ बहुत सी। कर पाओगे? तो इसमें लिख लीजिए, इन ट्रांसलेटरी मोशन बॉडी एंड इट्स पार्टिकल्स, बॉडी एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बोला जाता है, लेकिन आप सिंपल लिख दीजिए पार्टिकल्स भी। बॉडी एंड इट्स पार्टिकल्स आर मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन, आर मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन। किस में चलेंगे वो? स्ट्रेट लाइन के अंदर भी हो जाएगा। दोनों मोशंस में, दोनों बॉडीज के अंदर, दोनों मोशन में बॉडी किस में चल रही है? स्ट्रेट लाइन में चल रही है। वैसे इनमें डिफरेंस समझ में आप लोगों को? इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें बॉडी सिंगल है, इसमें उसके पार्टिकल्स भी कंसिडर किए जा रहे हैं अभी। ये यूनिट नंबर 5 का टॉपिक है हमारा अभी, ये यूनिट नंबर 2 का टॉपिक है अभी। पूरी यूनिट नंबर 2 में क्या मानेंगे? एक पार्टिकल है मेरा बॉडी। इसमें क्या मानेंगे? यूनिट नंबर 5 का टॉपिक बनेगा, नाम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स भी। बहुत से पार्टिकल्स कंसिडर किए जाएंगे साथ में भी। सेकेंड पॉइंट है सर्कुलर और रोटेटरी मोशन। पहले करते हैं सर्कुलर मोशन को भी, लिख लीजिए सर्कुलर मोशन, लिख लीजिए। इसमें लिखो व्हेन बॉडी मूव इन ए सर्कुलर पाथ। अगर बॉडी किस में चलती है? सर्कुलर पाथ में, इट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। व्हेन बॉडी मूव इन ए सर्कुलर पाथ, इट इज कॉल्ड ए सर्कुलर मोशन। समझ में आया? यस और नो? सेकंड लगी डेफिनेशन रोटेटरी मोशन भी। सेकंड लिखिएगा रोटेटरी मोशन, ये क्या होता है? बॉडी और उसके पार्टिकल्स किस में चलें? सर्कुलर पाथ के अंदर। समझ में आया डिफरेंस भाई? देख लीजिए, इन रोटेटरी मोशन बॉडी एंड इट्स पार्टिकल्स आर मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ। समझ में आया कि नहीं आया? थर्ड मोशन कौन सा था? ठीक है सर, ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशंस भी। ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी भी, फर्क है दोनों में क्या है? वाइब्रेट करना, ऑसिलेट करना भी। पिंक झूले कभी? पिंक का तो झूला झूलते हैं अभी। अब बॉडी किस में चलती है? कैसे चलती है बॉडी? ऑसिलेटरी। कैसे होता है? देखिए, आपने एक धागे से पत्थर को बांध लिया, पत्थर यहाँ पे होगा। यस सर नो?
पत्थर को उठा के यहाँ पे ले गए और छोड़ दो भाई, इट स्टार्ट टू मूव। कैसे? पहले यहाँ पे जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, यस और नो? इसको बोलते हैं सिंपल पेंडुलम भी। क्या बोलते हैं इसको? सिंपल पेंडुलम। और ये मोशन को बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन भी, टू एंड फ्रो मोशन। क्या बोलते हैं? बैक एंड फोर्थ मोशन भी, बैक एंड फोर्थ मोशन। या बोलते हैं लेफ्ट एंड राइट मोशन, यस और नो? आपकी बॉडी एक पॉइंट के राउंड चलती रहती है, हो जाएगा भाई क्लास? ऑसिलेटरी मोशन भी। लिखिए, इन ऑसिलेटरी मोशन बॉडी मूव इन टू एंड फ्रो मोशन भी। बॉडी मूव इन टू एंड फ्रो मोशन अबाउट द मीन पोजिशन। किसके अबाउट चलता है ये? मीन पोजिशन कौन सी होती है? जब इनिशियली आपने धागे को बांध के छोड़ा हुआ था यहाँ पे, जो रुका हुआ था धागा, ये क्या इसकी मीन पोजिशन है अभी? इसके अराउंड ही चलता है। समझ में आया कि नहीं आया अभी? विद लार्ज एम्पलीट्यूड, लिखो विद लार्ज एम्पलीट्यूड। समझ में आई बात है? ज्यादा करता है एम्पलीट्यूड, जो बड़ा होता है इसका, दूर तक जाती है बॉडी। विद लार्ज एम्पलीट्यूड इसको क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशंस। और ये नेक्स्ट पॉइंट इज वाइब्रेटरी मोशन भी। वाइब्रेटरी मोशन लिखो, इन वाइब्रेटरी मोशन बॉडी मूव इन टू एंड फ्रो मोशन। बॉडी मूव इन टू एंड फ्रो मोशन अबाउट द मीन पोजिशन। का नाम है पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। इसको लिखिए, व्हेन ए बॉडी ट्रेवल ए लार्ज डिस्टेंस एज कंपेयर टू इट्स साइज। अगर कोई बॉडी ट्रेवल करता है लार्ज डिस्टेंस उसके साइज के हिसाब से भी, देन बॉडी कंसीडर एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट भी। क्या है? व्हाट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस? इट इज द सेट ऑफ द कोऑर्डिनेट्स विच गिव द कंप्लीट इंफॉर्मेशन विच गिव द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द बॉडी अबाउट द पोजिशन ऑफ द बॉडी अबाउट द पोजिशन ऑफ द बॉडी दो तरह के होते हैं भाई। चलो थोड़ा सा और करते हैं इसको, थोड़ा दो तरह के होते हैं। एक का नाम है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कौन सा नाम है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो यूनिट नंबर 3 में पढ़ोगे आप न्यूटन्स के लॉज को पढ़ोगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस भी बताएंगे उस टाइम भी बताएंगे इस चीज़ को हम लोग, कि वो जब बॉडी चलती है तो न्यूटन्स के लॉज को ओबे करती है भी, ठीक है? तो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर न्यूटन्स के लॉज को ओबे किया जाए वो कौन सी है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। समझ में आया? तो लिख लीजिए, इन दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, लिख दोगे
लॉज ऑफ मोशन आर ओबे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर ओबेड। ओके, इसका एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। एग्जाम्पल लिखिए मोशन इन स्ट्रेट लाइन वे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ओके, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, सिंपल है। सेकेंड है भाई, इसका सेकेंड पार्ट है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसका उल्टा मिलेगा भाई, जहाँ पे न्यूटन्स लॉज को ऑबे नहीं किया जाता भाई, वो क्या है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लिख लीजिए, इन दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इन दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन्स लॉज, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर नॉट ओबेड वे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर नॉट ए ओबेड, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को ओबे नहीं किया जाता अभी। लिख नहीं रहा, लिख दिया, ये लिखा हुआ पहले से, अभी लिखा, ठीक है। कई अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, वन टू एंड थ्री डायमेंशंस। वन डायमेंशंस क्या होता है, सुना नाम कभी? पहला वन डायमेंशनल मोशन लिख दूं, वन डायमेंशनल मोशन किसको बोलते हैं, या वन डायमेंशन किसको बोलते हैं? वन डायमेंशन या वन डायमेंशनल मोशन भी। डायमेंशन क्या होते हैं, मैं बोला था ना इससे पहले, मैं इट इज सेट ऑफ द कोऑर्डिनेट्स भी, ये कोऑर्डिनेट है भी एक्स वाई जेड, सुने होंगे, पढ़ते हो एक्स वाई जेड, यस आर नो? एक्स वाई जेड इनको बोलते हैं डायमेंशंस भी, ठीक है। वन डायमेंशंस क्या होता है, अगर बॉडी एक ही लाइन में चलती हो, स्ट्रेट लाइन में चल रही है, तो किस में चल रही हो? वन डायमेंशंस में। समझ में आया कि नहीं आया? तीन में से एक्स वाई जेड में से किसी एक के अकॉर्डिंग चलती हो, या तो आप ऐसे जा रहे हो, या पैसे जा रहे हो, या आप ऐसे जा रहे हो, तीन बन रहे हैं। देखो एक एज इज रूम के भी कर लोगे तो रूम किस में है, 3D में है भाई, तीनों इसके पास में, एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी है, हो जाएगा। लिख लीजिए व्हेन ए बॉडी मूव, व्हेन ए बॉडी मूव इन वन कोऑर्डिनेट, व्हेन ए बॉडी मूव इन वन कोऑर्डिनेट आउट ऑफ थ्री, व्हेन बॉडी मूव इन वन कोऑर्डिनेट आउट ऑफ थ्री, तीन में से किसी एक के अकॉर्डिंग चले बॉडी भी, तो क्या है? वन डायमेंशनल मोशन अभी। तो इसका मोस्टली एग्जांपल क्या होता है, स्ट्रेट लाइन जो होती है वो किसके लिए होती है? 1D के लिए होती है, 1D मतलब वन डायमेंशनल मोशन। अगर आपको ए से भी जाना है, एक ही तरीका भाई, ए से भी ही जाइए, ये सर नो, तो क्यों चलोगे बॉडी आप? इट इज़ मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन भी। एक मकोड़ा ले लीजिए, पेन पर रखिए, लकड़ी पे, उसके लिए एक ही रास्ता है, इधर जाओ या इधर जाओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो किस में चल रहा है? वन डायमेंशन में। एक लकड़ी ले लीजिए, मकोड़ा रख दो उसके ऊपर, कहाँ जाएगा, इधर जाएगा या इधर जाएगा? एक ही डायरेक्शन उसके पास, तो किस में जाएगा वो? वन डायमेंशन में जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, कर पाओगे? सेकेंड है भाई, लिख दो, इसमें लिखो मोस्ट सिंपल, ये बना दी, बना सकते डायग्राम आप लोगों को, स्ट्रेट लाइन का डायग्राम किसके लिए होगा? वन डायमेंशन के लिए भी। सेकंड डालिएगा टू डायमेंशन मोशन भी, सेकंड है टू डायमेंशनल मोशन, यार इसको 2D भी बोलते हैं, टू डायमेंशनल मोशन भी, क्या बोलते हैं इसको? 2D बोलते हैं।
ठीक है। टू डायमेंशनल में क्या होगा, बॉडी चलेगी टू कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग भी, आउट ऑफ थ्री, टू कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग आउट ऑफ थ्री। कितने हैं मेरे पास मिला के पूरे, कितने हैं, तीन ही हैं। तीन में से किसी दो के पास चलती होगी, देख लीजिए बताएंगे कैसे चलेगी। लिखो, व्हेन ए बॉडी मूव इन टू कोऑर्डिनेट्स भी, व्हेन ए बॉडी मूव इन टू कोऑर्डिनेट्स आउट ऑफ थ्री, व्हेन ए बॉडी मूव इन टू कोऑर्डिनेट्स आउट ऑफ थ्री इज कॉल्ड टू डायमेंशनल मोशन भी। तीन है मेरे पास एक्स वाई जेड भी, दो कैसे बनाओगे, या एक्स वाई में चले, या वाई जेड में चले, या जेड एक्स में चले भी, या सर नो। तो कौन कौन से हैं, ये मान लेते हैं जो लाइन खींच रखी है हम लोगों ने, ये एक्स है भी, ये वाली वाई है, ये वाली जेड है, तो फर्ज किस में आ रहा है, एक्स और वाई में, कि कौन सा है दीवार, ये वाला कौन सा, एक्स और जेड, कौन सा ये एक्स और जेड, तो कौन सा मोशन कर रही है, टू डायमेंशनल मोशन कर रही है, किसी दो में चल रहा है बॉडी आउट ऑफ थ्री, इट इज कॉल्ड टू डायमेंशनल मोशन। इसको बोलते हैं प्लेन भी, क्या बोलते हैं इसको, प्लेन, सुना होगा प्लेन के बारे में, समझ में आया, तो लिख लीजिए इसका एग्जांपल है मोशन इन ए प्लेन, मोशन इन ए प्लेन, किसका एग्जांपल है ये, टू डायमेंशंस का भी, चिपकली जा रही है दीवार पे भाई, किस मोशन में जा रही है, टू डायमेंशनल मोशन में जा रही है, समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद दो आंसर हैं, एक्स में जाए कि वाई में जाए, मर्जी उसकी भी, कर पाओगे। नेक्स्ट है भाई, थर्ड है थ्री डायमेंशनल मोशन भी, थ्री डायमेंशनल मोशन, इसको 3D बोलते हैं, ये तो सुना होगा भाई, आजकल चल रही हैं 3D मूवीज भी, 3D टीवी आ रहे हैं। 3D मतलब भाई, अगर बॉडी चलती है तीनों कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग भी, तो किस में हो, 3D में है अभी, ओके। देख लीजिए, व्हेन बॉडी मूव इन थ्री कोऑर्डिनेट्स आउट ऑफ थ्री, व्हेन बॉडी मूव इन थ्री कोऑर्डिनेट्स आउट ऑफ थ्री इज कॉल्ड थ्री डायमेंशनल मोशन भी, क्या बोलते हैं इसको, थ्री डायमेंशनल मोशन। नेक्स्ट लिखिए वेक्टर भी, वेक्टर क्या चीज़ है भी, हैं, लिख लीजिए, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, समझ में आ रहा है, जिसके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड भी हो और क्या हो, डायरेक्शन भी हो, वो क्या है, वेक्टर भाई। एग्जांपल लिखिएगा, एग्जांपल है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सुना होगा नाम, फोर्स सुना है, यस और नो, बहुत हैं एग्जांपल, ठीक है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, और क्या है, डिस्टेंस, स्पीड, कहाँ पे, जिनकी डायरेक्शन अभी, मतलब क्या है, उनकी वैल्यू भी मिलेगी, डायरेक्शन भी मिलेगी, डिस्टेंस क्या, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी है भाई, क्या है, डिस्प्लेसमेंट। आपको कोई बोल दे आपको जाना है 5 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, तो आपको डायरेक्शन दे रखी है, तो क्या बन गया, 5 किलोमीटर क्या उसका मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन हाथ में दी हुई है, तो क्या बन गया वो, डिस्प्लेसमेंट बन गया, समझ में आया कि नहीं आया, अभी हो जाएगा। नेक्स्ट चलिएगा, स्केलर क्या होते हैं अभी, सेकंड है स्केलर क्या है, ऐसी क्वांटिटी जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, देख लीजिए, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली,
फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली नो डायरेक्शन, नो डायरेक्शन। समझ में आया? आपको कोई बोल दे आपको 5 किलोमीटर चलना है, सिर्फ ये बोल दे, मर्जी है कैसे जाओ आप लोग भाई, ये सर ना, तो क्या बन जाती है आपकी, स्केलर बन जाती है सर। उसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड है भाई। एग्जाम्पल एक ही है इसके, एग्जाम्पल कौन से हैं, डिस्टेंस, डिस्टेंस, स्पीड, और बताओ टाइम, टाइम होता है पता नहीं, मास सुना होगा, टेम्परेचर नहीं सुना, सुना है। व्हाट इज द डायरेक्ट, वो आपको कोई पूछ ले आपका मास कितना है, आप क्या बोलोगे, 40 किलोग्राम, किस डायरेक्शन में भाई, कितना टेम्परेचर है, बोलोगे 25 डिग्री सेल्सियस, किस डायरेक्शन में, क्या आपके पास आंसर है इस चीज़ का भी, जो डायरेक्शन ही नहीं है तो क्या है वो, स्केलर हो जाएगा।